वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं वापस, आज नाश्ता करने जा रहे हैं गवाल मंडी और जबरदस्त पाए छोले आपको दिखाएंगे। अभी हम उतर रहे हैं नाश्ते के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे उतर सका आपको हम अपने व्लॉग में शामिल करके अपनी चीजों से आगाह करेंगे। ठीक है जी, हम आ गए हैं गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट। तो क्या नाचोगे? जो कोई भी अगर लाहौर आए तो कोशिश करेंगे एक बार तो गवाल मंडी आए सिर्फ नाश्ता करने। अगर खाना खाने नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है, खाना खाने की तो बहुत सी जगह, मगर नाश्ता करने ज़रूर इधर आए गवाल मंडी। तो ये बिस्मिल्ला सीरी पाए वाला है, ये ज़बरदस्त यहाँ पर मशहूर है। और एक ये निम्मा मशहूर है, मगर निम्मा जब आप सुबह सुबह यहाँ पर आएंगे तो ही मिलेगा 11 बजे तक, इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये मिलेगा, ये ज़बरदस्त क्वालिटी के चने होते हैं और बोंग के पाए और सीरी पाए बेहतरीन। तो आके विज़िट करें, खाएँ, कैसे लगते आप हमें भी बताएँ। मोची गेट ये देखें, मोची गेट का रंग महल थाना पड़ता है, ये मोची गेट थाना। अब आप मोची गेट से एंटर होंगे और ये देखें यहाँ पर रफीक बेकर्स एंड कंफेक्शनरी हाउस, स्पेशल बादाम वाली बर्फी भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ का ज़बरदस्त मशहूर तरीन है। अभी माशाल्लाह इन्होंने 4 ब्रांच खोली हैं, पहले इनकी एक ही ब्रांच थी। तो यहाँ पर आके एक बार ट्रिपल है, अच्छा ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन इनकी एक यहाँ पर, दूसरी वहाँ पर, दोनों इनकी है। और एक रोड पे अगर निकलना हुआ तो वो भी दिखाएंगे। जा रहे हैं मशहूर खलीफा बेकरी की नान कढ़ाई लेने के लिए। अब ये किन गलियों, जिन्होंने सिर्फ खलीफा बेकरी का नाम सुना है वो देखें किन गलियों से, और इन्हीं गलियों में ये खलीफा बेकरी बनी हुई है। जो सोचते होंगे खत्म हो सकते होंगे यार, इतना बड़ा नाम ब्रांड है तो बहुत बड़े रोड पे और बहुत बड़े मॉल में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें इन्हीं गलियों में खलीफा बेकरी। ये देखें ये गली कितनी बारीक है, ये गली देखें कितनी पतली है, ये गली देखें कितनी पतली है। और यहाँ पर खलीफा बेकरी जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, खलीफा बेकरी के अंदर जा रहे देखे पैकिंग का अमल। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जामा मस्जिद मदीर खान, यहाँ की जबरदस्त कदीमी मस्जिद, इसका नज़ारा करें। और यहाँ रैयत एलाल कमेटी के मेंबर भी बैठते हैं, चांद का ऐलान करते हैं यहाँ से, तो आप इसको भी देखें। ये आपको जो दिखा रहे हैं ना वो पुराना लाहौर है। पुराना लाहौर, अभी तो लाहौर में बड़ी चेंजिंग हो गई हैं, मगर आप ये देखें पुराना लाहौर। ये जो अभी आपको गेट दिखाया उस गेट की तारीख, छोटा
का गेट। ये किले हैं छोटे छोटे दरबार बने हुए, और ये चिट्टा गेट से एंटर हुए थे और ये चिट्टा गेट क्रॉस करेंगे अभी। आप भी देखें, और इसके बाद ये देखें मार्केट पूरी बनी हुई है। यहाँ के लोग इसे पुराना लाहौर कहते हैं, कि पुराना लाहौर देख रहा हो किसी को तो वो यहाँ पर विजिट करें। ये पुराना लाहौर, यहाँ से एंटर, यहाँ से बाहर निकलेंगे हम, नए उसमें शामिल हो जाएंगे। ये दिल्ली गेट आ गया। जा रहे हैं दो जगह पे, एक ही साथ दो जगह पे जा रहे हैं। एक तो ऑरेंज लाइन आपको दिखाएंगे, ऑरेंज लाइन के किस तरह का स्टॉप बना हुआ है, किस तरह के अंदर से, और सेकंड हम जा रहे हैं अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के अदर एड्रेस पे। तो आपको वहां का भी हम थोड़ा सा व्यू बताएंगे इंशाल्लाह, तो आप हमारे साथ ही रहिए। ऑरेंज लाइन की तरफ बैठने के लिए जा रहे हैं। खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट टाइप बना हुआ है। क्या नहीं बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो। ये ऑरेंज लाइन स्टेशन है, और अभी यहाँ से एंटर होंगे और ये सामने वाले काउंटर से टोकन खरीदेंगे हम लेके। ये देखें यहाँ से एंटर, यहाँ पर टोकन लगाएंगे, जो टोकन लेगा उसी को एंट्री मिलेगी। ये देखें यहाँ से अब ऊपर जाएंगे हम बोर्ड पे, ये यहाँ से ट्रेन आएगी। ये देखें यहाँ पर अब ट्रेन आएगी, और ये टोटल वक्त लिखा हुआ है कि जो पहली ट्रेन है वो आएगी 3 मिनट में और दूसरी ट्रेन आएगी 8 मिनट में, और जो पहली ट्रेन है वो अली टाउन तक पहुँच, अली टाउन की तरफ से आ रही है। जो चल रही है ये डेरा गुजरा से अली टाउन तक, और यहाँ के अंदर से ज़बरदस्त व्यू। बैठने की जगह अभी फुल हुई हुई है, हमें तो नहीं मिली बैठने की जगह, बाकी एयर कंडीशन ट्रेन। बंद रोड जिनके मदार पे ले जा रहे हैं, वो करोड़ों दिलों की धड़कन अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये देखें रोड सजा हुआ है इनके उर्स के सिलसिले में, और ये इनकी मस्जिद का मीनार, सुभान अल्लाह। अब 19 तारीख को इनका उर्स है, आज से कबल 2 दिन बाद। ये देखें गली के बाहर रौनक लगी हुई है, पूरा ज़बरदस्त तरीके से सजाया हुआ है, और अभी भी सजावट बहुत बाकी है।
और एशियन गली में इनका मजार है और मस्जिद रहमतुल आलमीन वो गली का मनाज़िर। सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद का एंट्रेंस, ये अभी उर्स की तैयारियां चल रही हैं। ये जहाँ पर शामियाना लगा हुआ है इसके अंदर खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। ये देखें, ये लंगर खाने के लिए जैस कैश भी कर सकते हैं अगर आपको लंगर में तावन करना है तो। एलेवेटर के अलावा यहाँ पर देखें लिफ्ट की भी सहूलत है ज़बरदस्त। ये हम ट्रेन में इंटर हो रहे हैं, बाइक भी आ गए कैमरे में। तो हमारे यहाँ पर मशहूर तरीन लाहौर के गोलगप्पे वाले, ज़बरदस्त गोलगप्पे होते हैं इनके, तो आपको खा के टेस्ट करवाएंगे ज़बरदस्त। ये देखें अल मशहूर मौलवी साहब गोलगप्पे वाले, इनका नंबर भी आपको दिखा दिया हमने और एड्रेस भी दिखा दिया, 2D टैगोर पार्क अकब शोबर चोपड़ा होटल सिलाई मशीन मार्केट 89 और ये है मैकलोड रोड लाहौर, आपको पूरा दिखा दिया। लाहौर की गलियों में अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं, मतलब मिलवाए के साथ बाइक चला रहे हैं, मजबूत हेलमेट पहन के। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मस्त किया अपना मसरूफियत में से निकाल के, इनका हेलमेट उतार के इनकी तस्वीर भी दिखाई दे आपको ताकि आप भी इन्हें पहचान सकें। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और ये पंजाब में हमारा आखिरी डिनर होगा। वैसे पंजाब में कल भी डिनर होगा हमारा, मैं पता नहीं कौन से स्टॉप पे हूँ, खाने वाले के स्टॉप पे हूँ, रोड़ी तक तो नहीं खाने वाले पे होंगे या साइबर में होंगे, तो पंजाब में गिनाएगा मगर वो ट्रेन में होगा। तो इसलिए हमारा आज होटल में पंजाब के ये आखिरी डिनर है और फिर इसके बाद हम कराची के लिए कल इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। तो आपको हमारा सफ़र कैसा लगा सब कुछ हमें बताइएगा और हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि अभी एक और भी लोग आने वाला है लाहौर टू कराची। अभी हीरा मंडी चौक पे मौजूद है, आपको कल दिखाया था फज्जे के पाए, ये शाह हवा तिक्के वाले और ये, तो मगर यहाँ नहीं जाएंगे आज इसके सामने। ये दाल चावल वाला भी ज़बरदस्त है, तो अभी आज क्या खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ खाया जाए क्योंकि दूसरे शहर में आते हैं ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कहाँ खाएं, सबका असल में सबका मूड देखना पड़ता है। अब देख रहे ग्रिल फिश खाने जा रहे हैं। आज तीसरी और इस साल की लास्ट हाजिरी, मतलब इस टूर की, इस साल की तो नहीं, इस टूर की लास्ट हाजिरी। तो आप भी देखें जुमेरात का समय, और जुमेरात को यहाँ पर जमे गफीर है, माशाल्लाह। अंदर तो जाने की जगह भी नहीं है, पाँव भी रखने की जगह नहीं है, माशाल्लाह। आप भी ज़ियारत करते रहें। आज का टूर मुकम्मल हुआ, अब कल मिलते हैं। ज़बरदस्त, बहुत थकन हो रही है, तो आज के लिए यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग में मुलाकात होगी।